क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है कि एक बंदे ने 10 पॉजिटिव इंटीजर लिए, दोनों 10ों के 10 थे, वो 10 दो डिजिट के थे, ठीक है। तो उस गलती से उससे क्या हो गया कि एक डिजिट के नंबर इंटरचेंज हो गए। तो अपन एक काम करते हैं, लेट द डिजिट ओरिजिनल वाला, लेट द ओरिजिनल डिजिट हुज ओरिजिनल नंबर बोलना चाहिए मेरे को, ओरिजिनल नंबर हुज डिजिट वॉज इंटरचेंज इज इक्वल्स टू 10a+b, ठीक है। द नंबर बिकम आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटर चेंजिंग द नंबर बिकम, देखो अगर अपन इसके डिजिट, सिर्फ डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो ये नंबर होगा वो 10b+a बन जाएगा। b की जगह a कर दिया और a की जगह b कर दिया। डिजिट अपने ये होते हैं 10, तो ये 10 मतलब क्या है, ये 10 का मतलब है 10th प्लेस पर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इतना तो अपन ने कर लिया। ड्यू टू दिस एवरेज बिकम 1.8 लेस देन द प्रीवियस वन। तो क्या बोल रहा है कि अपना एवरेज मतलब कि अपना जो मीन था, तो जो ओरिजिनल मीन था उससे 1.8 लेस आया। तो ओरिजिनल वाला है ये, ओरिजिनल ओरिजिनल एक्स ओरिजिनल इज इक्वल्स टू एक्स रॉन्ग, रॉन्ग बोल रहा हूं मैं उसको, मतलब ये रॉन्ग मतलब है वो वाला एवरेज जो इंटरचेंज के बाद आया। ड्यू टू दिस एवरेज बिकम 1.8 लेस देन द प्रीवियस वन, और प्लस 1.8, ठीक है। अब एक्स ओरिजिनल में क्या होगा, एक्स ओरिजिनल में होगा कि वो जो 10 नंबर होंगे x1+x2+x3+.. अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स रॉन्ग में क्या होगा, जो अपना मान लो x2 अपना बदल गया था, तो ये हो जाएगा x1+x2 जो बदल गया है। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, x10 की जगह पे लिख देते हैं 10a+b, x2 हो जाएगा ये, तो x2 जो बदल गया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 10, अरे 10b+a प्लस x3+.. अपॉन 10 और प्लस 1.8, ठीक है। अब क्या बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, ये हो जाएगा x1+10a+b+.. अपॉन 10 इज इक्वल्स टू x1+10b+a+.. अपॉन 10, और यहाँ पे प्लस 18 भी होगा, क्यों, जब अपन इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, बचेगा क्या। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास बचा क्या है, x1+10a+b+.. इज इक्वल्स टू x1+10b+a+.. और प्लस 18। तो देखो यहाँ पे x1 पॉजिटिव है, यहाँ पे x1 पॉजिटिव है, अगर इस x1 को अपन LHS में लिख देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और इस x1 को काट देगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही x3 जो यहाँ पे होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी x3 पॉजिटिव होगा, तो x3 से x3 कट जाएगा, x4 से x4 कट जाएगा और x10 से x10 कट जाएगा। बचा क्या अपने पास, बचा 10a+b इज इक्वल्स टू 10b+a+18। इस ए को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10a, और 10b को भी इस तरफ ले जाएंगे, -a+b -10b इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से आ जाएगा 9a-9b इज इक्वल टू 18, 9 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a-b इज इक्वल टू 18, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a-b इज इक्वल टू आ जाएगा 2। यही अपन से पूछा था कि व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर विच वर रॉन्गली रिटर्न, तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर विच वर रॉन्गली रिटर्न वॉज 2।